कभी दोस्त किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे जिंदगी बनानी होती है वो कभी बहाने नहीं बनाता, और जिसे लिखनी होती है खुद की दास्ता, खुद की तकदीर, खुद की नसीब, वो कभी कहानियां नहीं पढ़ाता। मेरे दोस्त किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जिंदगी जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जिंदगी जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। भाई मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो गया है यार, इसलिए वॉइस में जो भी प्रॉब्लम आए थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो भाई थंबनेल देख के आपको पता चल गए होंगे ये वीडियो किस टॉपिक की ओर जाने वाला है। भगवान ऐसा कभी ना करे और ऐसा कर दे तो समझ लीजिएगा आपके साथ अच्छा होने वाला है, बिकॉज अच्छे के साथ हमेशा अच्छे ही होते हैं। जो भी होते हैं अच्छे के साथ उसके अच्छे के लिए ही होते हैं, हालांकि स्टार्टिंग में मालूम नहीं चलते हैं बट धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाते हैं। बट यार यहाँ पे हम बात करेंगे बाय चांस की। लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जी होते हैं जो सोचते रहते हैं कि अगर हम एग्जाम में फेल कर गए तो यार अपन लगता है एग्जाम में फेल कर जाएंगे, फेल होने के बाद क्या करेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लाइक ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, लाइक वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, डिक्रीज में चले जाते हैं, कुल मिला के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो भाई चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट यार आगे बढ़ने से पहले ना अपना भाई का नाम जान लीजिए। लाइक मैं गुलशन शर्मा आपके अपने बिहार मुंगेर भागलपुर से। चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ जेन्युइन एंड इंटरेस्टिंग टिप्स मिलता है, और भगवान ने चाहा तो मिलता रहेगा। देखो यार किसी भी परीक्षा के दौरान स्टूडेंट जी पर एक्स्ट्रा दबाव आना यह कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है। बात करें हम बोर्ड्स एग्जाम्स की या कम्पिटेटिव एग्जाम्स की या इंट्रेंस एग्जाम्स की, तो सभी स्टूडेंट जी अपने अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, बेस्ट प्रिपरेशन करते हैं। लाइक आपने नोटिस किया होगा हर परीक्षा में हजारों लाखों स्टूडेंट जी शामिल होते हैं, वहां पे सभी का बैकग्राउंड एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कई स्टूडेंट जी काफी परेशानी भरे माहौल से एग्जाम केंद्र पर परीक्षा में पहुंचते हैं, तो कई स्टूडेंट जी परीक्षा के समय या परीक्षा के दौरान उनके घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके असर, जिसका बाय डिफेक्ट उनके एग्जाम में आते हैं, उनके परीक्षा में होते हैं, और लाइक उस समय वो टेंशन होते हैं। जब वो परीक्षा देते हैं तो उस समय वो टेंशन उसके दिमाग में चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहते हैं, जिसके कारण उसका एग्जाम अच्छे नहीं जाते हैं, और ऐसे में संभव हो जाते हैं रिजल्ट अच्छे नहीं आने की। तो कुल मिला के एग्जाम्स में पास करना हमारा मुश्किल हो जाते हैं, बिकॉज हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहते हैं जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं। जैसा हमने रिपीट किया यार, काफी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के बावजूद भी, बेस्ट प्रिपरेशन करने के बावजूद भी अगर हमारा एग्जाम खराब चला जाए, रिजल्ट खराब आए, तो सोचिए हम पे कितना बैड इफेक्ट होंगे, हमारा मेंटल पे यहाँ पे कितना बैड इफेक्ट होंगे, आप सोच सकते हैं हमारे मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा असर होंगे, जिसके वजह से हम क्या क्या सोचने लगेंगे, लाइक यहाँ तक कि सुसाइड, आत्महत्या जैसे भी सोचने लगते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जी, बट ऐसा करना नहीं है। तो कुल मिला के इन सब को देखते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बाय चांस अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं या फेल हो गए हैं या असफल हो गए हैं, तो परेशान होकर हार मान लेने के बजाय अपनी कमजोरियों को समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज किसी परीक्षा में असफल हो जाना जिंदगी का खत्म हो जाना नहीं है दोस्तों। आप कुछ समय तक ब्रेक लेकर अपनी तैयारी को डबल उत्साह और मेहनत के साथ शुरू करें, और हाँ अगर आप एक पिताजी हैं या माताजी हैं या बड़े भाई हैं या बड़े दीदी हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, और अगर आप स्टूडेंट जी हैं तो आप ये वीडियो देखिए। और हाँ मैं जाते जाते फिर से कहना चाहता हूँ आपसे, एक बार अपने भाई से दोस्ती कर लीजिए।